अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, नए साल का पहला अनकट शो हमारे चैनल की जानिब से, अनकट प्रोग्राम की जानिब से, मेरी पर्सनल जानिब से तमाम नाजरीन को, इंक्लूडिंग हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनें जो भी हमारे व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम के नाजरीन हैं, सबको नए साल की मुबारकबाद। इसी मुबारकबाद के साथ एक अनोखे अंदाज में हम अनकट प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, जो आजकल के माहौल से काफी रिलेटेड है। जरा गौर करिए, पैसों की तकलीफ के साथ 2000 की नई नोट के साथ 2017 को खैर मकदम करते हुए हम अनकट प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाजरीन, अगले उन्वान पर चलते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब के चंद्रशेखर राव ने 2017 की शुरुआत में आज सुबह ही रियासत को कुछ नए तोहफे दिए हैं, और वो तोहफे ये हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा रिटायर हो चुके थे एक महीना कबल। इमीडिएटली सीनियर आईएएस ऑफिसर के प्रदीप चंद्रा को बनाया गया था नया तेलंगाना स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। अचानक एक महीने में तब्दीलियां हुकूमत में, प्रदीप चंद्रा के लिए शॉक और नए साल का तोहफा जनाब एसपी सिंह साहब को। सब जानते हैं एसपी सिंह साहब सीनियर आईएएस ऑफिसर, हैदराबाद बल्दिया के कमिश्नर भी रह चुके हैं। इन्हें आज सुबह सीएम तेलंगाना केसीआर ने रियासत तेलंगाना हुकूमत का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। इनके साथ ही साथ कल ही 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सीनियर आईपीएस ऑफिसर मशहूर हस्ती एके खान कल रिटायर हुए हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, हुकूमत की जानिब से उनको तोहफा हुकूमत के नए एडवाइजर माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के एके खान को भी अपॉइंट कर दिया गया है। प्रदीप चंद्रा उन्हें हटाकर एसपी सिंह को नया चीफ सेक्रेटरी, और एके खान कल ही रिटायर हुए हैं डीजी की हैसियत से, उन्हें आज हुकूमत का एडवाइजर। मुबारक हो। के आखिरी महीने में के प्रदीप चंद्रा अपॉइंट किए गए थे तेलंगाना हुकूमत के नए चीफ सेक्रेटरी। 2017 की शुरुआत में उन्हें हटा दिया गया है एक ही महीने के वक्फे में। एसपी सिंह नए चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना गवर्नमेंट, एके खान कल ही रिटायर हुए हैं 2016 दिसंबर 31 को, 24 घंटे में ही जनाब एके खान साहब को सीएम केसीआर साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है तेलंगाना रियासत की माइनॉरिटी वेलफेयर्स के एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आइए अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मिसाल मशहूर है।
سارا ہندوستان کل. ہم نے تو سنا ہے نیو ایئر کے پروگرامز کے لیے اتنی ریٹنگز نہیں ملی ہے کسی بھی نیشنل چینلز کو جتنی پی ایم صاحب کے نیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے اسپیچ کو ملی ہے. کل 7:30 بجے پرائم منسٹر انڈیا نریندر مودی صاحب نے ہندوستان کی عوام سے مخاطب کرتے ہوئے لاسٹ ایئر کی آخری اسپیچ دی تھی. سبھی لوگوں نے دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی تھی اسپیچ پر. شاید کچھ نیا راحت ملے گی غریب عوام کو, میڈیم کلاس عوام کو, یہ پیسوں سے تکلیف سے چھٹکارا ملے گا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں رہی. ہاں ضرور انہوں نے لونز کے معاملے میں رعایتیں دی ہیں, 10% 9% کی جگہ 3% کر دیا گیا ہے لونز پر. اس کے علاوہ نیو ہاؤسنگ اسکیمس ہندوستان بھر میں, یہ دو نئے خوشخبریاں سنائی ہیں پی ایم صاحب نے. بقا جو بلیک منی کا ذکر ہے وہ تو نہیں کیا گیا, البتہ یہ کہا گیا کہ جو بینک عہدیدار ایکسچینج آف منی کے لیے بلیک منی کے لیے انوالو ہوئے تھے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. آئیے نریندر مودی صاحب کی کل 2016 کی آخری میں نیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے جو اسپیچ دی گئی تھی اس کے چند ہائی لائٹس ہم آج انکٹ پروگرام میں پیش کرنا چاہتے ہیں, دیکھ لیجئے ایک بار. سوتنترتا کے اتنے سال بعد بھی دیش میں لاکھوں غریبوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, جب ارتھ ویوستھا میں کالا دھن بڑھا تو مدھیم ورگ کی پہنچ سے گھر بھی خریدنا دور ہو گیا تھا. غریب, نمن مدھیم ورگ اور مدھیم ورگ کے لوگ گھر خرید سکیں اس کے لیے سرکار نے کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں. اب پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت شہروں میں اس ورگ کو نئے گھر دینے کے لیے دو نئی اسکیمیں بنائی گئی ہیں. اس کے تحت 2017 میں گھر بنانے کے لیے 9 لاکھ روپے تک کے قرض پر بیاج میں 4% کی چھوٹ اور 12 لاکھ روپے تک کے قرض پر بیاج میں 3% کی چھوٹ دی جائے گی. سرکار نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت گاؤں میں بننے والے گھروں کی سنکھیا کو بڑھا دیا ہے, یعنی جتنے گھر پہلے بننے والے تھے اس سے 33% زیادہ گھر بنائے جائیں گے. گاؤں کے نمن مدھیم ورگ اور مدھیم ورگ کے لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہم ایک نئی یوجنا شروع کرنے جا رہے ہیں. 2017 میں گاؤں میں رہنے والے جو لوگ اپنے گھر کا نرمان کرنا چاہتے ہیں یا پرانے گھر میں کوئی وستار کرنا چاہتے ہیں, ایک دو کمرے اور بنانا چاہتے ہیں, اوپر ایک آدھ نئی منزل بنانا چاہتے ہیں, انہیں 2 لاکھ روپے تک کے ऋण میں 3% ویاج کی چھوٹ دی جائے گی. ہمارے راشٹر جیون اور سماج جیون میں بھرشٹاچار, کالا دھن, جعلی نوٹوں کے جال نے ایماندار کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا. اس کا من سویکار نہیں کرتا تھا لیکن اسے پرستھتیوں کو سہنا پڑتا تھا, مجبوراً سویکار کرنا پڑتا تھا. دیوالی کے بعد کی گھٹناؤں سے یہ سدھ ہو چکا ہے کہ کروڑوں دیش واسی ایسی گھٹن سے مکتی کے اوسر کی تلاش کر رہے تھے. سرکار کے پاس درج کی گئی جانکاری کے حساب سے دیش میں صرف 24 لاکھ لوگ یہ سویکارتے ہیں کہ
कि उनकी आय 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? क्या आपको नहीं लगता कि देश की भलाई के लिए ईमानदारी के आंदोलन को और अधिक ताकत देने की जरूरत है? भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ इस लड़ाई की सफलता के कारण ये चर्चा बहुत स्वाभाविक है कि अब बेईमानों का क्या होगा, बेईमानों पर क्या बीतेगी, बेईमानों को क्या सजा होगी। भाइयों और बहनों, कानून कानून का काम करेगा, पूरी कठोरता से करेगा, लेकिन सरकार के लिए इस बात की भी प्राथमिकता है कि ईमानदारों को मदद कैसे मिले, ईमानदारों को सुरक्षा कैसे मिले, ईमानदारी की जिंदगी बिताने वालों की कठिनाई कैसे कम हो, ईमानदारी अधिक प्रतिष्ठित कैसे हो। ये सरकार सज्जनों की मित्र है और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लौटाने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने के पक्ष में है। अब प्रयास यह है कि नववर्ष में हो सके उतना जल्दी बैंकों को सामान्य स्थिति की तरफ ले जाया जाए। सरकार में इस विषय से जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से कहा गया है कि बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज वाले इलाकों में प्रोएक्टिव होकर के हर छोटी से छोटी कमी को दूर किया जाए, ताकि गांव के नागरिकों की, किसानों की कठिनाइयां खत्म हो। दिस वॉज द एड्रेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी यस्टरडे लास्ट डे ऑफ द 2016। खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी के जो लोग बैंकों में लगे हुए हैं लाइनों में वैसे ही हैं, एटीएम्स में वैसे ही हैं, सिर्फ छोटी सी राहत दी गई है, वो 2500 की बजाय 4500 रुपए अब एटीएम से आज से ही निकाल सकते हैं। कई लोग सुबह सुबह निकाल भी चुके हैं। आइए अनकट के अगले उन्मान पर चलते हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शांडिलिया, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, दोनों ने कल रात 12 बजे अपने अपने कमिश्नरेट के लिमिट्स के चौराहों पर केक कट करते हुए नए साल का स्वागत किया है। आइए देखते हैं एक बार। ఈ నూతన సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ను ఒక క్రైమ్ ఫ్రీ సిటీగా, ఒక సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ సిటీగా, ఒక మహిళలకు భద్రతకు నిలయమైనటువంటి నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ శాఖ అహర్నిశలు కృషి చేస్తుంది అని చెప్పేసి ప్రజలు संदीप शांडिलिया कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद और महेंद्र रेड्डी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, दोनों ने अपने अपने कमिश्नरेट के इलाके में अपने अपने अहदेदारों के साथ आवाम के बीच नए साल का केक कट किया। अनकट के अगले उनवान पर चलते हैं। अगला और आखिरी उनवान, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट ईयर यानी कि 2016 में टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी मोहम्मद अमीर केसीआर सेवा दल के सदर ने हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए शहर की आवाम को बड़े बड़े वायदे किए थे। अब 2017 नया साल शुरू होगा, क्या लास्ट ईयर किए गए वायदे इस साल पूरे किए जाएंगे? इस पर बात करने के लिए आज संडे स्पेशल गेस्ट हमने मधु किया है जनाब मोहम्मद अमीर को, जो कुछ ही लम्हों में हमारे साथ अनकट के स्टूडियो में शामिल हो जाएंगे।
اس سے قبل کل رات ایک انوکھے انداز میں محمد امیر اور کے سی آر سیوا دل کے تمام کارکنوں نے نئے سال کا سواگت کیا, اور سواگت کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر جو غریب عوام اس کڑاکے کی سردی میں سو رہی ہے, ریلوے اسٹیشنز پر, بس اسٹاپس پر, ان عوام کو کے سی آر سیوا دل کی جانب سے رات کے 12 بجے نئے سال کی شروعات میں بلینکٹیں تقسیم کی گئی ایک انوکھے انداز میں. دیکھ لیجیے. کام بھی ہم جا رہے ہیں وہاں کے آفیشیل بھی کوآڈینیٹ کر رہے ہیں, وہاں کے ساتھ امپورٹنٹ لوگ کوآڈینیٹ کر رہے ہیں. ہم یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہندوستان کو اور تلنگانہ ریاست کو, یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو خدمت کا کام جو کریں گا اس کے لیے جو سنہرا تلنگانہ آسان ہی نہیں ہے, ہر باغ میں بھی ہر حصہ لینا ہمارا کام ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس لیے سنہرا تلنگانہ, بنگارو تلنگانہ جو کے سی آر صاحب بول رہے ہیں ان کے خواب سچ کرنے کے لیے آج رات نہیں, یہ رات میں آج رات میں جو جشن ہے نا, جشن چھوڑ دے کے آج ہم ہے نا جو غریب کو طبقہ کے پاس جانا چاہ رہے, غریب کو بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کر کے آج ہے نا تلنگانہ ریاست کو آج ہندوستان کو آج اپیل کر رہے, اب میسیج بھی دے رہے. ایسا کام ایک سے نہیں ہوں گا, ہر آدمی اس میں بھاگ لینا ہے, ہر آدمی اس میں ہے نا مل کے آنا ہے, جو ویژن ہونا ہے, ایک گول ہونا ہے, یہ ہمارا مقصد بتا رہے سنہرا تلنگانہ. جو تلنگانہ ریاست جو 15 سال جو محنت کر کے لے لیے, وہ محنت خالی جانے نہیں ہے, وہ محنت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یوتھ کو میسیج دے رہے جو جشن میں آپ بنا رہے وہ جشن بنانا نہیں ہے, جو غریب کے پاس جائیے وہ خدمت کا موقع لے لیے, یہ اس لیے ہمیں نا آج ریلوے اسٹیشن پہ آ کے ہم سب لوگوں کو ملا کے آج کام کرنے کے لیے شروع کر رہے. اس لیے
सो भाइयों मेरे साथ है, मेरे जितने भी मेरे भाइयों को और एक मुबारकबाद दे रूँ, ऐसा काम हर साल करेंगे, हर टाइम पे करेंगे, मेरे साथ है। जय तेलंगाना। 500 आज है ना शुरुआत, अब शुरू कर रहे हैं। 500 आदमी का हमारा टारगेट है, 5000 डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ कहाँ बांटेंगे? आज नाम पहले रेलवे स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काजीगुड़ा रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जुबली, गांधी, ये पूरा हम मेहनत सर्च कर रहे हैं, पूरे टीम्स में हमारे निकल रहे, ऐसा निकल रहे जो आज जाए नीडी पीपुल है, वो नीडी पीपुल देने के लिए ये टीम भी सर्च करने के लिए आगे आगे निकल गए। वो लोग जहाँ जहाँ नीडी है हम वहाँ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ये मीडिया के जरिए हम मैसेज देना चाह रहे हैं, इसलिए मीडिया भी इसमें है ना इंक्लूड कर रहे हैं। ये थे मोहम्मद अमीर, टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी और केसीआर सेवा दलम के सदर, जो कल रात नए साल के शुरुआत में गरीबों में ब्लैंकेट्स तकसीम कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि गरीबों में तो ब्लैंकेट्स तकसीम कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वायदे किए गए थे तेलंगाना की आवाम से, टीआरएस हुकूमत की जानिब से, वो वायदों का क्या हुआ? बिलखसूस डबल बेडरूम मकानात, माइनॉरिटी लोन्स, शादी मुबारक के पैसे, स्कॉलरशिप्स, कई पेंडिंग है हुकूमत के। इसी वजह से हमने उन्हें आज हमारे नाजरीन से बात करने के लिए स्टूडियो में मधु किया है। संडे कुछ ही लम्हों में वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे अनकट प्रोग्राम में। आप लोग जरूर उनसे सवालात करिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मोहम्मद अमीर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। ब्रेक के बाद वो हमारे साथ डिस्कशन में ज्वाइन हो जाएंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।